तो ऐसे होते हैं अमेरिका में भंगार वाले, देख लो भाई पीछे मेरे, भंगार ले लो, ये इसी ने यहाँ पर गाड़ी लेके आए हैं। हाय गाइस, रोहन वर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। तो एक मिनट, इसको निकाल देता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। अब से आप मुझे इस हालत में देखते रहोगे हेलमेट पहन के, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर मैं रोज़ सुबह आके अपना स्केटबोर्ड की प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर। और आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है जहाँ पर मैं और मोहसिन गए थे, एक जंगल टाइप है, वहाँ पर जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए मेरा स्केटबोर्ड की। और आज मैं निकला था ऐसे ही सुबह के प्रैक्टिस करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से पास हो रहा था तो मैंने देखा कि दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, वो लोग अपनी गाड़ी में बहुत सारा जंक जो भंगार रहता ना वो लोड कर रहे थे। पर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा और देखा, मैंने उन लोगों से बात की ना, तो वो लोग बहुत ही फ्रेंडली हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई, रिकॉर्ड कर ले, जो भी करना है कर ले। और मैंने उनसे बातचीत भी की अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। तो मैं अपना स्केटबोर्ड लेके यहाँ पर चला रहा था, तो पता लगा कि यहाँ पर गोदाम है बहुत बड़ा। तो मैंने देखा है यहाँ पर ये लोग कुछ कर रहे थे, तो मैंने बोला कि क्या कुछ दान पेटी है क्या, कि मैं भी आके कुछ दान कर सकता हूँ, या हमारे घर पे भी सब सामान पड़ा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। उन्होंने ये खरीदा है पूरा एक डब्बा, और भी अंदर बहुत सारा सामान है, मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि प्राइवेसी का इशू हो जाएगा। स्केटिंग का है सामान, हेलमेट्स है। बहुत अच्छे लोग हैं यार ये लोग बातचीत करने में। हम लोगों ने थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखी थी, दूर से बात कर रहा था मैं, आगे इनके नज़दीक गया नहीं क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं है नज़दीक जाऊं किसी के। 275 डॉलर के ये दो बॉक्सेस लिए इन्होंने, और ये बिकेंगे कम से कम, अगर $5,000 $6,000 सोच लो तो कितना होता है। अगर 70,000 रुपये $1,000 के है तो आप हिसाब लगा लो कितना हो जाता है यार, क्या बात है। ओ दीज ऑल्सो इंडियन डेकोरेशन। ये बिड स्टार्ट हुआ था $100 से एक ही और आदमी था जो इनके अगेंस्ट था, तो दोनों की बोली लगती गई। तो आई थिंक 275 में, जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने डन किया दो बॉक्सेस। ये पूरा बॉक्स देखा आपने, ये दो बॉक्स थे, और एक बॉक्स लिया उन्होंने, वो पता नहीं $100 का लिया शायद। तो मतलब, और उसमें से जैसे कि पहले भी आपको बताया, वो लोग कमाएंगे अराउंड $5,000 से $6,000, ऐसा उन्होंने एस्टिमेट लगा के खुद से बोला है, क्योंकि ये इनका फुल टाइम का बिजनेस है। पहली बार मुझे पता लगा और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स अ नाइस कार, व्हिच कार इज दिस? होंडा पायलट। वाह, हाउ मच दिस कार कम्स फॉर? 35,000 डॉलर्स। And which model is this? How old is this car? Last year? Oh, wow. इनका ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो गया, थोड़ा सा सामान जाएगा अंदर और ये लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे वापस। वो बोल रहे हैं कि 2 बजे आएंगे, दूर ही रहता हूँ और यहीं से ही रिकॉर्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच। Yeah. Okay. I ride in the morning, in the evening, afternoons, whenever I get the chance. So I'm learning skateboard right now. I'll talk to them. Either I'll come tomorrow or Thursday. Okay. Right. Just shoot me up. Okay. Yeah, thank That's you. Good, thank you. Bye-bye. Bye. Yeah. Bye-bye. Bye. Thank you so much. बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बातचीत की और मेरा नंबर भी लिया, बोला कि हम लोग बाद में यहाँ पर आएंगे तो तुम बाद में भी आ सकते हो, अगर रिकॉर्ड करना है, अगर कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्ड कर लेना। और मुझे उन्होंने अपना नंबर दिया और फिर वो लोग यहाँ से चले गए। अभी भी लोडिंग कर रहे हैं शायद कुछ कुछ। तो आप लोग को मैं बताऊं कि इन लोगों ने जो यहाँ से भंगार खरीदा है, जिसको आप सेकंड हैंड सामान भी बोल सकते हो, वो लोग अमेज़ॉन में बेचेंगे,
ईबे में बेचेंगे, यहाँ पर क्या यार्ड सेल भी लगती है, बैकयार्ड सेल, मतलब जो जो अपना सामान यूज़ नहीं करते हैं अपने बैकयार्ड में जाते हैं, घर के पीछे यार्ड होता है बहुत बड़ा सा, वहाँ पर सब अपने पुराने कपड़े, शूज़ और जो भी पुराना सामान है जो उनको नहीं चाहिए रहता ना, वो सेल पे लगा लेते हैं और यहाँ पर फेसबुक पे डाल देते हैं। तो जो भी कम्युनिटी रहती है ना, वो लोग आते हैं, देखते हैं जो जो सामान चाहिए रहता है, बार्गेन करते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल ऐसा स्टोर है जो कि यहाँ के गरीबों के लिए मोस्टली बनाया गया है, मतलब वहाँ पर सामान बहुत सस्ते में मिल जाता है गरीबों के लिए, मोस्टली जितने भी गरीब होते हैं ना वहाँ पर जाके ही वो लोग शॉपिंग करते हैं। अमेजोन, ईबे, गुडविल और बैकयार्ड सेल में ये सब सारा सामान बिकेगा। उस दिन तक तो मैंने बिना हेलमेट की अपना स्केटबोर्ड चलाया, बट अभी ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ और अगर मैं गिर गया ना तो, अगर सर पे चोट लग गई ना तो बैंड बच जाएगी। इसकी स्पीड है ना, कभी कभी ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है। अगर आप लोग को नहीं पता, ये फ्रेडरिक है जो मेरीलैंड में आता है, एक छोटा सा गांव है, छोटी सी काउंटी बोल सकते हो आप। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और घर भी बहुत दूर दूर बने हुए हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि आप लोग, हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का, ऐसा नहीं है। तो अगर मन में चाह होना तो आदमी क्या क्या नहीं कर सकता यार, पुरानी चीज़ें खरीदना और उसको वापस से बेच देना और बिजनेस करना, क्या बात है यार। मतलब अगर आपको बेचने के बाद 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है तो भी यार बहुत बड़ी बात है यार। अभी पता नहीं है कि कितने टाइम में बिकेगी वो सारी चीज़ें, मैं उनको फ़ोन करूँगा और पता करूँगा कि कितने टाइम में वो सारी चीज़ें बेच देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि दिस इज़ योर फुल टाइम जॉब, तो उन्होंने वही बताया कि हाँ ये मेरा फुल टाइम जॉब है। अगर आपके पास दिमाग है, आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट हमेशा याद रखना यार, कभी चीटिंग वाला गेम मत करना कि भाई झूठ बोलो, आप सेकेंड हैंड चीज़ लो और उसको बोलो कि भाई नया है और उसको बेचो, गलत है। जो है वही बताना, तभी आपको तरक्की मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम रोहन वर्दी है, मैं यहाँ अमेरिका में पिछले कुछ 7-8 साल से रहता हूँ और व्लॉगिंग करना मुझे हमेशा से पसंद रहा है, तो मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल बनाया। अभी आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मेरा व्लॉगिंग चैनल अभी ऊपर बढ़ रहा है, तो मुझे भी और मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यहाँ अमेरिका की लाइफ कैसी होती है, यहाँ अमेरिकन्स कैसे रहते हैं और हमारी लाइफ कैसी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब जानना, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जैसे मैं शूट करता हूँ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, फेसबुक पर शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जब भी मैं लाइव आऊँगा या फिर जब मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो वेलकम टू माई चैनल। तो चलो सीधा अभी घर पर जाते हैं, कुछ खाते हैं। मैंने हेलमेट निकाल दिया क्योंकि अभी स्लो स्लो चलाऊँगा और गर्मी लग रही थी, फिर वहाँ घर पर बैठ के आप लोगों से बात करूँगा। तो ये है मेरी कॉलोनी, आप देख लो, यहाँ पर एक घर है, यहाँ घर बने हुए हैं, एकदम पेड़ पौधे, हरियाली है। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 2:30 और देखो मैडम जी वॉक पे निकली हैं। इसको रखता हूँ यहाँ पर चार्ज पे और लगा देता हूँ चार्ज, पहले बंद करता हूँ इसको, चार्ज पे चार्ज हो जाएगी, अभी भी 3 स्टोर बैटरी के हैं। तो घर पे आया, पहले उसको चार्ज पे लगाया, सीधा गया नहाने के लिए, कपड़े सारे डाल दिए धोने के लिए और अभी खाना खाऊंगा और देखता हूँ खाने में क्या, शायद जो कल खाना बना था ना वही है, तो मैं वही खा लेता हूँ अभी के लिए। ये रहा खाना। हाँ, थोड़ा खाना खाता हूँ, एक दो YouTube वीडियोस देखता हूँ और चिल मारता हूँ, और खाने के बाद मैं आप लोगों से वापस बात करता हूँ।
वाहेगुरु. अच्छे से खाना खाया अभी, अच्छा था खाना. और बस यही चल रहा है, खाने के बाद खुद का काम खुद ही कर लो और प्लेट धो लो अपनी. पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होएगा, उसी पानी में आपके हाथ भी धुल जाएंगे और आपकी प्लेट भी धुल जाएगी. तो ठीक है, इस वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ. अगर आपको किसी भी कारण वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना. और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग. आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ. बाय बाय.